नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री राम और उनके पुत्र लव कुश के बीच आखिर क्यों हुआ था युद्ध और क्यों माता सीता धरती में समा गई। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। श्री राम रावण का वध करने के बाद सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या चले आए थे, लेकिन अयोध्या से आने के कुछ समय बाद ही भगवान राम ने अयोध्या की प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। हालांकि वो अग्नि परीक्षा असल में वेदवती ने दी थी, जिसे अग्नि देव ने सीता का रूप बनाकर भेजा था। अयोध्या लौटने पर भगवान श्री राम ने वहां का राज सिंहासन तो संभाला, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण भगवान राम को माता सीता का त्याग करना पड़ गया। माता सीता से दूर होने के कुछ सालों बाद ही भगवान राम ने अपना एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जो कि दुनिया पर जीत होने का प्रमाण माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उस समय इसको रोकने का साहस किसी में भी नहीं था। भगवान राम का घोड़ा लगभग दुनिया का भ्रमण कर चुका था, लेकिन लव और कुश, जो कि भगवान राम और माँ सीता के पुत्र थे, उन्होंने उसे रोकने का साहस किया था। इतना ही नहीं, दोनों भाइयों ने उसे बंदी भी बना लिया था। इस बात से भगवान राम पूरी तरह से अनजान थे कि जिन्होंने उस घोड़े को पकड़ा है वे दोनों उन्हीं के पुत्र थे। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अश्व को लव और कुश से छुड़ाने के लिए भरत को सेना के साथ भेजा, लेकिन लव और कुश ने सबको हरा दिया। फिर उन्होंने लक्ष्मण और सुग्रीव को भेजा, पर वो दोनों भी हार गए। आखिर थे तो वो श्री राम के पुत्र हैं। उसके कुछ समय बाद ही भगवान राम ने हनुमान को भी भेजा, तो लव और कुश ने हनुमान जी को भी बंदी बना लिया। जब ये बात भगवान राम को पता चली तो भगवान श्री राम खुद और लव कुश से युद्ध करने के लिए वहां पर पहुंच गए। इस युद्ध की आशंका से सृष्टि के सारे देवी देवता चिंतित हो गए। भगवान राम और उनके पुत्रों के बीच भयंकर युद्ध होने ही वाला था कि लव कुश के गुरु श्री वाल्मीकि जी वहां पहुंच गए और उस युद्ध को होने से बचा लिया। जब माता सीता को पता चला कि लव कुश ने उनके ही पिता और परिवारजनों से युद्ध किया तो वो बहुत रोने लगी, और उन्होंने इतने वर्षों तक जो लव और कुश को नहीं बताया था वो राज उन्होंने उन्हें बता दिया, जिससे उन्होंने युद्ध करने का साहस किया वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता ही हैं। इसी घटना के बाद श्री राम को पता चला कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, तो उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई, पर वो अपने राजधर्म के आगे विवश थे। इसीलिए लव और कुश को जब सच्चाई पता चली तो गुरु वाल्मीकि के कहने पर उन्होंने पूरी अयोध्या को पश्चाताप की अग्नि में जला डाला, जिसके चलते राम जी ने सीता को बुलावा भेजा। तब वाल्मीकि जी ने सीता के सतीत्व के लिए अपने तपोबल की शपथ ली थी, तो सारी प्रजा ने माफी भी मांगी, पर प्रजा में कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। तब श्री राम ने सीता से कहा कि तुम स्वयं अपने मुख से इन सबको अपनी पवित्रता बता दो। तब सीता माता ने कहा कि अगर मैं एक सच्ची पतिव्रता हूँ तो हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में समा लो। इतना कहते ही सीता माता धरती में समा गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाए। धन्यवाद।